हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी विस्कीपीडिया। मैं हूं आपका होस्ट अमित। गाइस, आज की जो वीडियो है ये है जॉनी वॉकर रेड लेबल के ऊपर। गाइस, एक्चुअल में मैं इसका रिव्यू कर चुका हूं ऑलरेडी अपने चैनल पे। स्टार्टिंग की जो पहले 5 वीडियोस मैंने अपने चैनल पे अपलोड की थी, उसमें से एक वीडियो जॉनी वॉकर रेड लेबल के ऊपर भी है। तो जब मैंने ये वीडियो ऑलरेडी शूट की हुई है, ऑलरेडी इसका रिव्यू किया हुआ है, तो आज मैं क्यों लेके आया हूँ इसको अपने चैनल पे, इसके पीछे भी एक वजह है। वजह यह है कि जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था, जब मैंने इसका रिव्यू किया था, तो बहुत सारे लोगों का मुझे कमेंट आया, रिप्लाई आया कि सर, जो बॉटल आपने ओपन की है, जो बॉटल आप लेके आए हो, वो एक फेक प्रोडक्ट है, वो बॉटल सही नहीं है। हालांकि वो बॉटल भी मैंने एक जेन्युइन लीकर शॉप से ली थी, लेकिन इतने ज़्यादा कमेंट आ गए उसके ऊपर कि ये बॉटल अच्छी नहीं है, ये बॉटल फेक है। मेरे मन में भी थोड़ी सी डाउट हो गया कि यार, शायद मेरी बॉटल सच में फेक है, हालांकि फेक नहीं थी। तो मैंने अब एक दोबारा से बॉटल बाय की है। ये बॉटल अब मैं 1500 में लेके आया हूँ अपनी सिटी जलंधर से। वो वाली बॉटल जो मैंने ऑलरेडी ओपन की थी, वो मैंने लुधियाना से बाय की थी, उसका भी सेम प्राइस ही था। तो गाइस, कई लोग मुझे बोल रहे थे कि उसके ऊपर ये जो रेड लेबल है, जैसे इस पे लिखा हुआ है, ये कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ है, लेकिन जो ओरिजिनल रेड लेबल आती है उसमें कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं किया जाता। तो गाइस, मैंने आज तक जहाँ भी इसकी बॉटल्स देखी हैं, सब पे मुझे कैपिटल लेटर्स ही मिले हैं। चाहे मैं चंडीगढ़ गया हूँ, चाहे मैं पंजाब में गया हूँ, जहाँ भी मैंने इसकी बॉटल देखी है, मुझे सेम पैकेजिंग मिली है, सेम वर्डिंग यूज़ मिली है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई डिफरेंस है प्रोडक्ट में, लेकिन फिर भी मैं इसका एक दोबारा से रिव्यू करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे मन में भी वो डाउट आ गया है प्रोडक्ट को लेके। तो मैं अपना तो डाउट क्लियर करना ही चाहता हूँ, साइड बाय साइड मैं अपने व्यूअर्स का भी जो है डाउट क्लियर करना चाहता हूँ। तो आज की वीडियो में मैं इसका एक दोबारा से रिव्यू करूँगा, दोबारा से इसकी नोजिंग करूंगा और टेस्ट करूंगा और बताऊंगा कि इसको पीने में मुझे क्या फील आती है। तो गाइस, वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो अब मैं आपको नहीं बोलूंगा आपको क्या करना है, क्योंकि आपको पता है आपको क्या करना है। तो चलिए चलते हैं आज के रिव्यू की तरफ। तो चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और बॉटल दिखाता हूँ आपको, बॉटल कैसी है। हालांकि बॉटल तो सबने जॉनी वॉकर रेड लेबल की देखी होगी, ये स्टार्टिंग प्रोडक्ट है जॉनी वॉकर सीरीज का। इसके बाद ब्लैक लेबल आती है, डबल ब्लैक आती है, गोल्ड लेबल आती है। डबल ब्लैक का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ ऑलरेडी अपने चैनल पे, जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज़ चैनल में आगे विजिट करके देख सकते हैं। और गाइस, प्लीज़ बताइए कि आज जो वॉइस है वो कैसी आ रही है, क्योंकि आप सबके कहने पर मैंने जो माइक है वो चेंज कर दिया है, थोड़ा सेटअप वो चेंज कर दिया है। तो अब मैं इसकी बॉटल निकालूंगा और पोर करूंगा इसको अपने ग्लास में, फिर हम करेंगे इसकी नोजिंग और टेस्ट। तो गाइस, ये है बॉटल जॉनी वॉकर रेड लेबल की। बॉटल आई थिंक आप में से सबने देखी होगी, जो भी शौकीन है विस्की वगैरह पीने का, उसको जॉनी वॉकर रेड लेबल का जरूर पता होगा। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे लोगों ने मुझे बोला कि सामने जो है वो छोटे अक्षरों में लिखा होता है, लेकिन इस पे बड़ा लिखा हुआ है जॉनी वॉकर रेड लेबल। तो गाइस, मैंने जहाँ जहाँ भी इसकी बॉटल देखी, मुझे सेम वर्डिंग ही देखने को मिली है। और मैंने काफ़ी बार इसको चेक किया है सब जगह पे, और काफ़ी चेक करने के बाद मैंने इसको बाय किया है। हर जगह पे जो हॉल मार्क्स हैं, जो सिग्नेचर्स हैं, वो वैसे ही हैं, सेम है। और जो इसका कलर है, कलर काफ़ी अच्छा है। ये 750 ml की बॉटल है, और इसमें जो अल्कोहल स्ट्रेंथ आती है, ये आती है 43%। जी हाँ, 42.8% नहीं आती, 40% नहीं आती, 43% इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ आती है। तो जो इसका टेस्ट है, वो टेस्ट थोड़ा सा पहले आपको बाइट करेगा, थोड़ी सी बिटरनेस देगा, क्योंकि इसमें जो अल्कोहल का वो 0.5% ज़्यादा है, वो आपको पहले महसूस होगा। तो अब मैं इसको पोर करूँगा अपने ग्लास में, और उसके बाद मैं इसकी नोजिंग करूंगा और टेस्ट करूंगा, बताऊंगा आपको पीने में ये कैसी है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं।
तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो इसके बीच में एक बॉल है, जैसे मैं इसको हिला रहा हूँ एक बॉल आपको हिली दिख रही होगी, वो बॉल एक सिक्योरिटी के पर्पस से है ताकि इसमें दोबारा रीफिल ना की जाए, और जब हम इसको पोर करेंगे तो धीरे धीरे पोर हो, जल्दी से वो पोर ना हो। तो गाइस जैसे कि देख रहे हो मैंने इसको उल्टा कर दिया है तो फिर भी वो नहीं आ रही, क्योंकि इसमें जो बॉल है वो स्टॉपर का यूज़ करती है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा शेक करूँगा इसको। तो हमारी ग्लास में आ गई है हमारी स्कॉच विस्की, तो अब मैं इसकी नोजिंग करके बताता हूँ क्या नोट्स दे रही है ये। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसकी नोजिंग। इतनी देर में प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चीयर्स। इतनी प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है, काफ़ी प्यारी प्यारी फ्रूट्स की खुशबू इसमें से आ रही है, रेड एप्पल्स की इसमें से नोजिंग मुझे मिल रही है, और अ बिट ऑफ सिनेमन का टच मुझे इसमें से मिल रहा है। नोजिंग काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्यारी है। जैसे कि इसकी अल्कोहल स्ट्रेंथ वो 43% है, उसके हिसाब से मुझे नोजिंग में वो जो बाइट होती है अल्कोहल की, वो जो एक्स्ट्रा बाइट होती है वो मुझे नोजिंग में नहीं आ रही, जो कि काफ़ी अच्छा काम किया है कंपनी ने इसके ऊपर, क्योंकि जनरली जब अल्कोहल का पंच बढ़ जाता है तो वो बाइट आती है अल्कोहल की। इसमें से मुझे एक चॉकलेटी खुशबू आ रही है, जैसे जैसे मैं नोजिंग इसकी कर रहा हूँ तो सच मानिएगा मुझे बहुत प्यारी नोजिंग लग रही है, काफ़ी इम्प्रेस हूँ मैं इसकी नोजिंग करने के बाद। तो अब मैं इसको पैलेट पे लेके बताता हूँ आपको कि पीने में ये क्या टेस्ट दे रही है ये। चीयर्स। थोड़ा सा सिप मैं बड़ा ले गया, थोड़ा सा ज़्यादा मेरे अंदर चला गया, वो जो एक्स्ट्रा अल्कोहल है वो स्टार्टिंग में आपकी टंग के ऊपर इचिंग करेगा, मुझे हल्का सा उसने तंग किया है टंग के ऊपर, लेकिन इतनी देर तक वो नहीं रहता, फेड अवे हो जाता है, और इसके फ्लेवर्स काफ़ी अच्छे से उभर के बाहर आए हैं। इसमें हल्का हल्का अ बिट ऑफ स्मोक मुझे मिल रहा है, बिल्कुल अ लाइट स्मोक मिल रहा है, और पीने में काफ़ी अच्छी लग रही है। एप्पल्स का जैसे मैं बता रहा था, रेड एप्पल्स का काफ़ी अच्छा टेस्ट इसमें से मुझे मिला है। मुझे नीट पीने में भी इतनी दिक्कत नहीं दी है इसने, लेकिन मैं सुजेस्ट करूँगा आप इसको विद आइस क्यूब्स पियो, या फिर अगर आपको एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनानी है तो आप इसमें सोडा ऐड कर सकते हो। थोड़ा सा सोडा ऐड करने के साथ क्या होगा कि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो ओपन अप हो जाएंगे, थोड़ा पंच मिलेगा इसको, और एक बहुत ही बढ़िया रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनेगी। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगा और थोड़ा सा इसको डाइल्यूट करूंगा ताकि जो इसकी अल्कोहल परसेंटेज है वो थोड़ी सी नीचे आ जाए, और दोबारा से मैं इसको टेस्ट करूँगा। तो गाइस मैंने बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स इसमें डाले हैं पानी के, तो अब मैं दोबारा से टेस्ट करता हूँ इसको। पानी ऐड करने के बाद इसमें एक स्पाइसीनेस आ गई है, सिनेमन का और पेपर का काफ़ी अच्छा फ्लेवर आ रहा है इसमें से, और जैसे कि मैं बता रहा था इसमें एप्पल्स का एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, एक स्ट्रॉन्ग टेस्ट मुझे मिल रहा है। अपने प्राइस को ये जस्टिफाई कर रही है, मुझे पीने में बहुत बढ़िया लगी। लास्ट जब मैंने इसका रिव्यू किया था, जब मैंने चैनल को स्टार्ट किया था, तब मेरा पैलेट इतना ज़्यादा डिवेलप नहीं था। अब धीरे धीरे जैसे मैंने वीडियोस बनाई हैं तो मेरा जो पैलेट है वो थोड़ा सा आगे से डेवलप हो गया है, तो आज मुझे ये पीने में काफ़ी अच्छी लगी है। तब मैंने इसको आई थिंक 7.5 या 7.7 रेटिंग दी थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन आज जो मैं इसको रेटिंग दूंगा, आज दूंगा 8 out of 10, क्योंकि पीने में मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। और गाइस सच में ये एक जेन्युइन बॉटल है, क्योंकि मेरी जेब से पैसे गए हैं तो मैंने 10 बार ये बॉटल को अच्छी तरह चेक करके बाय किया है,
और किस किस को ये पीने में पसंद है प्लीज नीचे कमेंट करके बताइएगा जरूर। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।